स्टूडेंट्स, आज मैं बताऊंगी आप लोग को स्टोरी ऑफ एंगल। एंगल की स्टोरी मैंने लिखा है। तो ये एंगल क्या होता है, इसको हम लोग और कितने टाइप का होता है, कितने तरह के होते हैं, वो हम आपको बताएंगे आज। तो हमने लिखा स्टोरी ऑफ एंगल, तो चलिए देखते हैं। किसी भी एंगल में दो आर्म्स होते हैं। ये देखिए ए बी सी हमने लिखा, ये आर्म्स हो गए और ये यहाँ पे एंगल बन गया। इसमें एक वर्टेक्स भी होता है, ये वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है और ये एंगल बन गया आपका ये, और आर्म्स हो गए ये ए एल सी। तो अब हम लोग चलते हैं कि एंगल होते कितने तरह के हैं, एंगल कितने तरह के होते हैं ये जानना है, कौन कौन से एंगल होते हैं। इसने हमने लिखा अ स्टोरी ऑफ एंगल। तो एंगल कैसे बनता है ये हमने बता दिया शॉर्टकट में। ए बी सी एक तीन एंगल बना, ए बी सी इसमें एक वर्टेक्स होता है, इसको आर्म बोलते हैं और ये एंगल। अब देखिए स्टोरी ऑफ एंगल में क्या करना है कि एंगल कितने तरह के होते हैं ये मुझे बताना है। तो अब देखिए ये हमने लिखा है 45 डिग्री। ये अगर लाइन खींचा है तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइट एंगल। ये अगर किसी बेस पे किसी लाइन पे ये सीधा लाइन खड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस लाइन से बनता है स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल होता है और ये 90 डिग्री होता है। कभी भी कहीं भी अगर आपको इस अगर इस एंगल के बारे में पूछा जाए तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री से कम, अगर 90 डिग्री से जो एंगल कम होता है वो हो गया, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है 45 डिग्री, इसको 90 डिग्री वाले को बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री को हमने कहा है राइट एंगल। और 90 डिग्री से अगर कम होता है, मान लीजिए 45 डिग्री है, तो ये हो गया, देखिए एंगल ऐसे बन रहा है एक्यूट एंगल। और अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, ये देखिए ये 90 है था, यहाँ पे 90 था, 90 से ज्यादा इधर की ओर बढ़ गया राइट एंगल, सीधा से इधर बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, अगर ये एंगल 90 डिग्री से सीधा हो गया, मान एकदम सीधा हो गया, ऐसे एंगल बना हुआ है, तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। ठीक, ये देखिए हमने लिखा है एकदम सीधा हो गया, ये स्ट्रेट एंगल होता है, ये यहाँ पर बना हुआ है एंगल, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री सीधा रेखा में अगर बनता है तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। और अगर स्ट्रेट एंगल में 180 से भी ज्यादा होता है, मान लीजिए 180 से ज्यादा हो जाता है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये स्ट्रेट एंगल था और ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और ये पूरा अगर गोल इस तरह से पूरा एंगल बनता है, दोनों साइड को हम लोग ले लेते हैं, तो ये होता है कंप्लीट एंगल। ये हो गया 360 डिग्री एंगल, ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो स्टोरी ऑफ एंगल सिंपली हम लोग इतना अगर जाने तो समझ जाएंगे कि एंगल कितने तरह के होते हैं, एंगल का ये कहाँ कहाँ किस टाइप के एंगल यूज होते हैं, और यूज होना तो खैर मैंने अलग कहा कि यूज नहीं, यूज का बात नहीं है, किस टाइप के एंगल होते हैं और एंगल पहचानने का मैंने सही तरीका आपको बताया कि इस तरह से एंगल को हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा एंगल कितने तरह का है, कितने डिग्री पे कौन सा एंगल बनेगा, इससे हम अंदाज लगा लेंगे 45 से 90 के बीच में इतना जो भी है ये आपका 90 से अंदर अगर आता है तो ये एक्यूट एंगल, और 90 ये खुद 90 डिग्री है, और 90 से अगर ज्यादा होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर पूरा सीधा बन गया ये एंगल बन गया तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल में भी अगर थोड़ा और बढ़ गया तो इधर वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और पूरा गोल ये हो गया आपका 360 डिग्री, ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो स्टूडेंट आपने देखा मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत सिंपल वे में एंगल का टाइप बताया है, इसलिए स्टोरी ऑफ एंगल मैंने लिखा है, ये आपको समझना जानना जरूरी है। स्टोरी ऑफ एंगल ये बेसिक होता है एंगल के बारे में, ज्योमेट्री में इसका यूज बहुत ही जरूरी है। तो अगर वीडियो समझ में आएगा तो इसे जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।